हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 24 दिसंबर है और आपके लिए मैं निफ्टी पे अपना ओपिनियन लेके आया हूँ कि कैसा रहेगा आगे। कल तो मार्केट बंद है 25 को और 26 को मार्केट ओपन होगा। थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट ही है और जो मैं आपको लास्ट 3 दिन से, आपको 4 दिन से पहले से बता रहा हूँ, लास्ट थर्सडे से बता रहा हूँ कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में दिख रहा है। सो वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी में देखेंगे जहाँ 10663 की क्लोजिंग दिया है 0.084% डाउन के साथ। एडवांसेस 14 है, डिक्लाइन 36 है। और अगर मैं आपको देखूं दिखाऊं अपने पुराने वीडियो को जो मैंने आपको बताया था, तो आप देखेंगे निफ्टी कमज़ोर हो रहा है करके मैंने आपको ये दिया था, 21 दिसंबर को दिया था और आपको बताया था कि 10750 का पुट 69 पे मिल रहा है, आप इस पर पोजिशन बना सकते हैं। 21/12 को दिया था। आज जब मार्केट ये चालू हुआ होगा ना, तो आप देखिएगा यही है 10750 का पुट है, ये लो बनाया 64, ओपन हुआ 64 पे, लो बनाया 47 का और हाई बनाया 111 का। तो मैं आपको 69 बोला था, लो 47 का बनाया था, प्रीवियस क्लोज 69.90 है। तो कोई भी देखे अगर इसमें किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो लो 47 से 111 आप खुद ही देख लीजिए। और अभी भी इसमें बाइंग पोजीशन 1,20,525 की है और सेल पोजीशन सिर्फ 75,000 का, अभी भी बाइंग पोजीशन इसमें कंटिन्यू बनी हुई है। तो आज अच्छा खासा इसमें आप देखिए, इस लॉट में अच्छा खासा आपने आपने वॉल्यूम देखा, यहाँ पे 68,320 कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे डीलिंग हुई, तो अच्छा था। ये 75 का लॉट होता है ये तो आपको मालूम ही है। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 53.47% से ये बढ़ के ओपन इंटरेस्ट ये काम कर रहा था। और आज भी देखेंगे तो आज इसकी जो वैल्यू हुई है, आप देखेंगे जो क्लोजिंग दिया है आज इसने दिया है 10750 का, वो क्लोजिंग दिया है 85.90। ये आज है, ये 10663.50 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, 24 दिसंबर है। ये पुट साइड है, पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो इसने आज जो क्लोजिंग दी है 10666 के आसपास दी है, 63.50 पे। अगर बढ़ने वाले शेयर देखेंगे तो इंफ्राटेल, TCS, विप्रो, महिंद्रा महिंद्रा बैंक और कोटक बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, दिखाया आज इन्होंने। और जहाँ गिरने वाले लूजर्स में देखेंगे तो JSW स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, IOC, बजाज ऑटो और हिंडाल्को, ये गिरने वाले शेयर में से थे, ये गिर के बंद हुए हैं। और अगर मैं ओवरऑल इंडेक्स की बात करूँ तो ओवरऑल इंडेक्स में देखेंगे सारे लगभग निगेटिव बंद हुए हैं, एक्सेप्ट PSU बैंक और IT, और सारे सेक्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे सेक्टर इंडेक्स जो है निगेटिव बंद हुए। अगर ये मैं इंडेक्स की बात करूँ तो सारे इंडेक्स नेगेटिव बंद हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है और निफ्टी 500 में और फिर निफ्टी 100 में बिकवाली देखने को मिली। और विक्स जो यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है 15.41 से ऊपर की साइड में विक्स क्लोजिंग दे रहा है। और सेक्टरल इंडेक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको निफ्टी मीडिया, मेटल और रिलेटिव सेक्टर में आपको देखने को मिला, और ऑटो सेक्टर में भी आपको देखने को सबसे ज़्यादा गिरावट मिला। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जैसा बताया आपको एडवांस 14 था, डिक्लाइन 36 थे और टोटल जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसने निफ्टी देखेंगे तो हाई 10700 ओपन हुआ 10780 पे, 10782 का हाई बनाया और 10649 का लो बनाया और 10663 पे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे आप देखिए बढ़ने वाले जो शेयर है वो यहाँ पे ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 14 शेयर। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली इसमें JSW स्टील 5% से, हीरो मोटर कॉर्प 158.4% से, IOC 3% से, बजाज ऑटो 2.88, हिंडाल्को 2.77। ये मेजोरिटी शेयर गिरने वाले, ये बारी बारी जो उसमें ये जो गिरे थे वो शेयर थे जो निफ्टी के गिरे हुए शेयर थे। अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए एक ये बुलिश बेरिश पैटर्न बना हुआ आपको, और अभी इसने जो ये मिडिल कैंडल था इसका बॉलिंग में बैठकर 10774 को, उसको भी तोड़ते हुए नीचे की ओर क्लोज दिया हुआ है और ये पूरी कोशिश करेगा, अपना दम लगाएगा 10514 को टेस्ट करने का। और जैसा मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है और पहले भी बताया हुआ है आपको कि ये पूरी टेस्ट करेगा, नीचे की ओर जाएगा, दिखाएगा आपको नीचे की ओर। आपको पुट की पोजीशन ही बना के रखनी है, आपको कोई कॉल की पोजीशन बना करके इसमें नहीं रखनी है, आपको यहाँ पे पुट पे पोजीशन बनाना है। वापस बता रहा हूँ, कॉल पे पोजीशन नहीं बनाना है, बुधवार के लिए भी आपको पोजीशन यहाँ पे पुट पे ही बना के चलना है। और अभी देखेंगे तो आप एक डेरिवेटिव में एक पोजीशन बन रहा है वो भी आप देख लीजिए, 10 अगर एट द मनी देखें
तो ऐट द मनी जो आता है 10663 का 10650 के आसपास देखिए ऐट द मनी, तो ऐट द मनी 10650 में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉल साइड में 114,900 कॉन्टैक्ट का एडिशन हुआ है, 145,000 टोटलिटी में है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा 10700 पे, जहाँ पे 14 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 24 लाख के साथ हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। मीन्स अब 10700 को तोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल देखने लगा मार्केट को अभी, उसके ऊपर तो जो है सो है ही। अब ऊपर अगेन देखेंगे तो 10750 10800 सब पे एडिशन 10850 पे, और वॉल्यूम देखिए 6 लाख 7 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके हो रहा है। वहीं दूसरे और नीचे की ओर वॉल्यूम देखें तो जो वॉल्यूम एडिशन हो रहा है 10650 पे 176,000 का 536,000 क्यूमुलेटिव है, 10600 पे 27,22,000 का एडिशन है, और 10500 पे देखेंगे आप तो 32 लाख का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो आप 10500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख का, और उसके बाद 10600 पे 27 लाख का, तो ये दोनों पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 10500 का जो आपको ने यहाँ पे भी सपोर्ट पे दिखाया कि यहाँ पे 10500 पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 10500 और ये देखिए एमएसडी का लाइन देखिए, एमएसडी की डेरिवेटिव लाइन देखिए कैसे ये क्रॉस करने को तैयार है, और ये क्रॉस करता है तो ये नीचे की ओर पोजीशन जा करके बनाएगा ही बनाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अगर किसी को डेरिवेटिव में कोई पोजीशन बनानी हो, अभी भी पुट की ओर ही बनाना है आपको, कॉल की ओर नहीं बनाना जब तक ये 10500 टच नहीं करता है। 10500 के बाद डिसीजन होगा, देखेंगे क्या करना है। और 10600 का जो अब कॉल मिल रहा है अभी आपको, 10660 का है तो 10650 का आपको 39 रुपीज में मिल रहा है, तो आपको 10650 पे अगर कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो पुट साइड में 39 पे जो मिल रहा है इस पे पोजीशन बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे एजुकेशनल पर्पज से और पेपर ट्रेडिंग के लिए है। निफ्टी में मैंने आपको जो भी व्यू दिया अभी तक वैसा ही चला आ रहा है, अगर किसी को देखना है तो जाके आप ये पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। अगर किसी ने यह लिया होगा तो आज 100% रिटर्न उन्होंने देखा होगा अपना, 100% रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट का आ चुका है। एक लॉट पे आप 7,500 रुपये से ऊपर कमाई किए होंगे। बाकी ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पे जो पैटर्न बना है वापस इस पैटर्न से दिख रहा है, पूरी बड़ी कैप्चर है रेड में, इससे जो दिख रहा है इससे पैटर्न पता चलता है कि नीचे की ओर ही पैटर्न बनेगा। तो 10600 पे पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो टूटेगा, फिर 650 आएगा, वहाँ से 550 और 500। लेकिन किसी भी तरह इसको एक बार 516 की ओर टेस्ट तो करना ही करना है। तो आपको जैसे पोजीशन समझ में आए वैसे बनाइए। थर्सडे को इम्पॉर्टेंट होगा क्या एक्शन लेगा, जो भी होना होगा थर्सडे को होना है। मैंने इस वीडियो में आपको कंटिन्यू बोला था कि 3 सेशन तक आपको, 2 सेशन तो कंप्लीट गिरावट दिखाएगा, तो फ्राइडे और आज का सेशन, मंडे दिखा दिया गिरावट आपको, कल मार्केट बंद है। इसी वीडियो में लिखा बताया हुआ आपको बुधवार को थोड़ा सा रहेगा गिरावट और फिर थोड़ा सा हो सकता है रिकवरी दिखाए या न्यूट्रल पोजीशन चले। मोस्ट प्रॉब्ली 80% निगेटिव है, 20% न्यूट्रल है। और थर्सडे को जो है जो ये क्या कैंडल पैटर्न बताता है, क्या पोजीशन और बुधवार की क्लोजिंग कहाँ देता है, उस पर निर्भर करेगा कि ये बृहस्पतिवार की क्लोजिंग कहाँ से देगा। एक बार इसको 10500 की ओर टच करना है तो ये करके रहेगा, चाहे पोजीशन किसी और भी दिखाना हो दिखाते रहे। तो अभी जो है अभी भी मैं इसमें निगेटिव ही हूँ, और डेरिवेटिव पोजीशन पे अगर किसी को 10650 का बनाना चाहे तो बना सकता है, और अगर आज किसी ने बनाया होगा 10600 पे पोजीशन बनाया होगा तो 10600 पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे लो 20 रुपये का था, अगर कोई बनाया होगा तो अच्छा खासा अर्निंग किया, अगर 55 का हाई लगाया और क्लोजिंग 39 का दिया है। ओपन इंटरेस्ट देखें तो 48.84% के साथ ये क्लोज हुआ है, 10650 का जो कॉल क्लोज हुआ है, एक अच्छा पैटर्न है, अच्छा चीज़ है। तो निफ्टी में निगेटिव है और 10650 के 39 रुपये पे पुट मिल रहा है। अगर किसी को पोजीशन बनानी है 39 रुपये पे तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।